आरसीबी टीम से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप आरसीबी के फैन है तो उस वीडियो को फुल वॉच करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हां, आरसीबी टीम को देखिए फ्यूचर में जाते हुए कहीं ना कहीं एक नए यंग कैप्टन की जरूरत पड़ने वाली है। मैं तो कई वीडियोज में कह चुका हूँ कि अगर आपको अपने फ्यूचर कैप्टन के लिए कोई यंग प्लेयर मिल जाए, इंडियन प्लेयर, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं पर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपडेट ये निकल के आ रही है कि ऋषभ पंत कहीं ना कहीं आरसीबी टीम के फ्यूचर कैप्टन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। और ये ट्रेड होती हुई नजर आ रही है जहां पे दिल्ली कैपिटल से कहीं ना कहीं आप लोगों को ऋषभ पंत आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसा हार्दिक पांड्या की ट्रेड हुई थी गुजरात टाइटंस की टीम से मुंबई इंडियंस में, वैसा ही कुछ आरसीबी टीम ट्रेड करने वाली है दिल्ली कैपिटल की टीम से, जहां पे उनका टीम का कैप्टन यानी कि दिल्ली कैपिटल के ऋषभ पंत आप लोग को आरसीबी टीम में ट्रेड होंगे और देखा जाए आरसीबी टीम के कैप्टन बनते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड इन आईपीएल हिस्ट्री, क्योंकि आरसीबी टीम को एक अच्छा खासा इंडियन देखा जाए बैट्समैन देखने को मिल जाएगा। मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, लेफ्टी हैं, विकेट कीपर हैं, वहीं पे अगर देखो तो कैप्टनसी भी कर सकते हैं। और देखिए विराट कोहली ऑलरेडी वहां पे हैं, विल जैक्स हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, रजत पाटीदार हो गए, अच्छा खासा कोर आप लोगों को, मतलब अच्छी खासी सॉलिड बैटिंग लाइनअप देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को अगर किसी टीम में ट्रेड होना है तो वो आरसीबी बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू देखने को मिलेगी। और देखिए आरसीबी टीम की वो कैप्टनसी आराम से 7-8 साल के लिए कर सकते हैं और आरसीबी टीम आराम से ट्रॉफी जीत सकती है, क्योंकि फिर आरसीबी टीम को कहीं ना कहीं देखिए एक विकेट कीपर को स्लॉट इन करने में अपनी प्लेइंग 11 में बहुत सारी चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ऋषभ पंत जैसा प्लेयर मिल जाएगा कहीं ना कहीं देखिए उन्हें फिर ऑक्शन में जब वो जाएंगे मेगा ऑक्शन में, उन्हें ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि हमें अपने ऑक्शन में से हमें अपनी टीम का कैप्टन बनाना है किसी को, ये नहीं रहेगा, उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। उन्हें चाहिए कि हमें सिर्फ अच्छे खासे क्वालिटी ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर और स्पिनर अपनी टीम में चाहिए, यानी कि हमें अब प्लेयर अच्छे खासे चाहिए, क्योंकि कैप्टन उनके पास ऑलरेडी ऋषभ पंत जैसे रहेंगे। उन्हें मालूम है विराट कोहली होगा तो ओपनिंग हमारी सेटल है, मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऋषभ पंत होगी, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, विल जैक्स, यानी कि नंबर 5 नंबर 6 तक की तो बैटिंग सॉलिड रहेगी। फिर उन्हें मालूम रहेगा कि हमें एक क्वालिटी ऑलराउंडर यानी कि फिनिशर चाहिए अपनी टीम में और फास्ट बॉलर चाहिए 2-4, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी रिटेन होंगे तो कहीं ना कहीं फिर इनका फास्ट बॉलिंग यूनिट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इन्हें एक ओवरसीज बॉलर चाहिए पड़ेगा जिसमें जोफ्रा आर्चर, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट ऑप्शन में जाएंगे, किसी को भी ये अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आरसीबी टीम की ये ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। अब देखना पड़ेगा कभी ये ट्रेड ऑफिशियली होती है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये निकल के आ रहे हैं कि ऋषभ पंत को अप्रोच किया है आरसीबी की टीम ने जो कि उन्हें अपनी टीम का फ्यूचर कैप्टन बनाना चाहते हैं। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या ऋषभ पंत आरसीबी टीम में आएंगे तो क्या वो कैप्टन बनेंगे? आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।